तो आज मैं ले चलते हैं आप लोग को एलिफेंट केव्स के लिए। ठीक है, तो एलिफेंट केव होता है आपको बेसिकली मुंबई शहर में होता है, तो मैं गया था उधर। उधर ज़्यादातर इतना शूट नहीं हुआ कोरोना के वजह से, मेन जो गुफा है वो बंद है। तो उधर दो तोप है, मैं पहले जिस बार गया था मैं गया नहीं था, तो इस बार वो तोप देखा और उसका कुछ बेसिक डिटेल्स है वो जो मैं आप लोग को बताएंगे, क्योंकि उधर जाने से पहले कोलाबा में पड़ता है। ठीक है, और उसको जाने के लिए आपको जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया है और जैसे ताजमहल, होटल ताजमहल पहले से, तो उसी का नियरेस्ट से आपको बोटिंग के लिए टिकट मिल जाएगा। उधर जाने के बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि टिकट एलिफेंटा टिकट मिल जाएगा आपको। तो उसको जो फेयर होता है 225 होता है पर हेड, तो उसको जाने के लिए कम से कम 45 से 50 मिनट्स चाहिए आपको। और ये है गेटवे ऑफ होटल, गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जैसे कि एक पहाड़ है उस पहाड़ी में। तो उसमें बेसिक से 7 गुफा होता है, जैसे कि बताया गया था 7 गुफा है, उसमें से 5 गुफा जो है वो हिंदू धर्म की है और 2 गुफा बताया गया उसमें बौद्ध धर्म की है। तो हिंदू धर्म की जो मैं गुफा देखा था वो गुफा में ज़्यादातर उनका जो भगवान शिव जी है उनका ज़्यादातर मूर्ति रहता है। तो चलिए चलते हैं, अभी आप लोग को डायरेक्ट टूरिंग कराते हैं, जाके दिखाते हैं मैं बोटिंग कैसे गया कैसे नहीं गया। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिए उसको, उसका नेक्स्ट में बात करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग ये बोट पे जा रहा है, ये बोट पे और निकलते हैं, साथ में कुछ कुरकुरी लिया और पेप्सी वेप्सी कुछ लिया है। चलो चलते, पक्षी बहुत आते हैं ना तो उनको कुछ खिलाएंगे, और ये खिलाना भाई ज़रूरी है इसके लिए। तो गाइस देख सकते हैं बोट छोड़ने के बाद, थोड़ी दूर आने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल कितना ऑसम खूबसूरत लग रहा है। मुझे देख इतना अच्छा लग रहा था, बोटिंग में काफ़ी आदमी है, देख सकते बहुत सारा आदमी है। तो चलिए चलते इंजॉय करते हैं। कितना अच्छा व्यू देखने में, और ये जहाज सब कितना है, ये लगता है ऑयल का कुछ है उसमें, वो सामने का उसमें देख सकते हैं कुछ रिफाइनरी का काम चल रहा है, इतना तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो सॉम व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। वाह, तो ये भी देख सकते हो कुछ ऐसा इस तरह से, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा है। वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक से बढ़कर एक। और यहाँ से अभी हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर ही आया। तो कुछ आप लोग ने बहुत सारा कुछ देखा है अभी, जैसे कि ये बोटिंग है, और बोटिंग के बाद में आपको उधर फेरी में जब उठाएंगे तो उधर कम से कम 120 स्टेप मिलता है। अभी 120 स्टेप मिलने के बाद ऊपर जाके वो गुफा है, और स्टेप चढ़ने का टाइम में उसको दाएं बाएं आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, बहुत सारे शॉपिंग करने का वो मिल जाएगा, पत्थर उत्थर कुछ मूर्ति वगैरह है, और तरह तरह के उसमें रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और बंदर से संभाल कर रहिएगा, क्योंकि हाथ में अगर कुछ कीमती सामान है तो प्लीज़ टेक केयर, नहीं तो वो छीन के लेके जाता है। मेरा भी लेके गया था ये मोबाइल स्टैंड, ठीक है, बाद में उसको किच खिला के लिया। तो ठीक है, देख लीजिए अभी। बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, फाइनली हम लोग आके पहुंच गया, और हम लोग का पीछे में देख सकते हैं इधर एलिफेंटा केव से बहुत टाइम लग गया, करीब 1 घंटा लग गया बोट में आने के बाद, और मेरे पीछे में देख सकते हैं, और कुछ ये पहाड़ का ऊपर जाने का है, नीचे से आपको कम से कम 120 सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है। बीच में से बहुत शॉपिंग करने के लिए जगह भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे एंटिक चीज रहेगा, फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो गाइस इसका एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपको स्टेप मिलना चालू हो जाएगा, और यहाँ काफ़ी दुकान भी है, आप लोग कुछ खा पी के आराम से उसमें से चढ़ सकते हैं। बहुत गर्मी लगे आ गया है पोचा, और अभी थोड़ा लुक्स देख सकते हैं, थोड़ा चेंज किया, तो एलिफेंटा नया जगह आया ना, थोड़ा लुक्स चेंज करूँ नहीं, और अभी सीढ़ी चढ़ रहा है, करीब 120 स्टेप है, और पीछे में बहुत सारा शॉपिंग भी है। चलो चलते हैं, ये देख सकते हैं आज फिर भी बंद है, बोला था इतना कुछ नहीं, और अंदर में गुफा भी बंद है, अंदर में देख सकते हैं फिर शॉपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा चढ़ते चढ़ते थक गया है, नीचे में देख सकते हैं।
काफ़ी ऊपर चढ़ाई किया, अभी सांस फूल रहा है, पता नहीं लद्दाख में जाने के बाद क्या होगा। पूछा एलिफेंटा केव्स। तो अभी हम लोग जिधर आने के लिए आया था उधर तो बंद हो गया, इसके लिए नीचे देख सकते हैं आदमी लोग चढ़ रहे हैं। मेरा सांस भी फूल रहा है, बहुत हाइट में है। चले चलते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी डरावनी जंगल है भाई, लगता है अमेजन जंगल में आ गया ना क्या। ये कुतिया साइड दे रहे, हट रहे हट रहे हट रहे, काफ़ी डरावनी है भाई, कहीं तो भूत प्रेत ना आ जाए। मालूम नहीं बोला उधर जाऊँ कुछ अच्छा मिलेगा देखने के लिए, आ गया तो बन वीडियो में बने रहे, मुझे तो बात करने को भी नहीं हो रहा। तो गाइस ये है एलिफेंटा केव्स का एक तोप, ठीक है, बहुत पहले था इसको, तो अभी हम लोग मेन जो गुफा था वो बंद था तो इसके लिए इधर आया देखने के लिए। और मैं जिधर बैठा उसका पीछे देखिए कैसा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा जंगल है भाई। और उधर नीचे देखो कुछ, उधर बीच में से आपको मुंबई सिटी दिख रहा है, ये देख सकते हैं बिल्डिंग देख रहा है, काफ़ी अच्छा। हम लोग उधर आया, इधर नीचे फ्री है, इधर आया, पूरा जंगल है भाई। तो अभी जैसे कि ये देखा है और इसको तोप है, ये पहले मैं देखा था और मैंने इसके बारे में इतना आर्टिकल नहीं किया था, लेकिन पता चला कि वो ज़्यादातर वो पहले ज़माने का जो यानी मुग़ल होगा दूसरा कोई होगा तो उन्हीं के जान में ये तोप है, ये एक तोप है और ऊपर में एक तोप है, तो यहाँ से जस्ट 3 मिनट लगेगा ऊपर का तोप। और चलिए चलते हैं, आप ऊपर से दिखा के लेके आते हैं आपको। और तो गाइस देख सकते मेरा पीछे का व्यू देख सकते कैसा, वाओ ऑसम प्लेस, पैसा वसूल भाई। केव्स देखने से अच्छा था लेकिन क्या करूँ, किस्मत अच्छा नहीं है, केव्स देखने को नहीं मिला, तो इधर के लिए कुछ शूट कर लेते हैं, सोचा आप लोग को दिखा दूँ। ये पूरा हरियाली हरियाली पूरा हरियाली, आह ऑसम प्लेस, नीचे पूरा देख सकते आप लोग, काफ़ी अच्छा लोकेशन हो रहा है। तो अभी चलते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉप तक जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ, और उसका भी नज़ारा देखेंगे। ये पूरा टॉप तक आ गया अभी, चलो चलते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया, तो हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज एलिफेंटा केव्स दिखाए आप लोग को, नेक्स्ट कभी वही दिखाएंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए भाई को। और भाई अभी थोड़ा रेस्ट लेते, बहुत परेशान हो गया, खाना भी नहीं खाया, चलो उधर जाके कुछ खाना खा लेते। तो कैसे आप लोग को पूरा एलिफेंटा केव्स घुमा लिया, लेकिन मेरा किस्मत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गुफा कर अंदर जा नहीं सका। तो ठीक है, मैं पहले एक बार गया था उसी का कुछ फ़ोटो शो हो रहा है आपको, थोड़ा फ़ोटो देख लीजिए वहाँ से। और बाकी नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना वायरस ख़त्म होने का टाइम में जब भी मुझे चांस मिले तो मैं ज़रूर आपको पूरा के पूरा जानकारी दूँगा और पूरा का पूरा टूर भी कराऊँगा। अभी आप लोग को दिखाए जैसे कि चैनल अगर अच्छा लगे, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और आपको अच्छे से अच्छा टूर करा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।